Hello everyone, now our last topic is quadrilateral, types of quadrilateral. So, इस topic में हम different types के quadrilateral पढ़ेंगे. So, let's start. What is quadrilateral? As we know, quadrilateral is a shape which have four sides and four angles. So, here we have different types of quadrilaterals. Our first quadrilateral is trapezium. Trapezium is a quadrilateral. But what is its property? Its opposite sides are, as we can show, this side is parallel to this side. और इसकी कोई special property नहीं होती है. Next is parallelogram. What is parallelogram? Its opposite sides. We know what is opposite sides. Last lecture में मैंने आपको define किया था opposite sides क्या होती हैं. जो जिनको नहीं पता है वो 20 से लेक्चर न देखें, स्टार्टिंग का लेक्चर जरूर देखें. सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस. एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. लाइक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. नेक्स्ट इज काइट. व्हाट इज काइट? सभी ने काइट देखी होगी. काइट की शेप क्या होती है? सो व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज? की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने देखा होगा इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल होगी एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. तो दिस इज कॉल्ड काइट. इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, व्हेन आई जॉइन इट्स डायगोनल लुक. जब इसको डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दिस डायगोनल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस. मींस इसका एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है ये वाली साइड. दिस साइड इज इक्वल टू दिस, बट ये वाली आपकी इक्वल नहीं है. ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है. तो इसका ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल रोम स्क्वायर आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं. नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी सभी को पता होती है. व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल हैव फोर साइड्स बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. एंड वी नो इट्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ये एंगल कैसे आपका? ये सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री के हैं. तो क्या हो गया? रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. और व्हेन आई जॉइन इट्स डायगोनल, जब मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगी तो क्या होगा? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे. जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी होगी और जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी. सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज स्क्वायर. रोम्बस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको स्क्वायर डिफाइन करना चाहूंगी. सो व्हाट इज, बिकॉज आप पहले से पढ़ते हो आते हैं स्क्वायर के बारे में. व्हाट इज स्क्वायर? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री. इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. इट इज फिक्स, सारे एंगल्स आपके इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे. वन मोर प्रॉपर्टी, व्हेन आई ज्वाइन इट्स डायगोनल, जब मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगी तो क्या होगा? दे बाइसेक्ट टू ईच अदर. इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. मीन्स ये साइड, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी और ये वाली लेंथ आपके इस लेंथ के इक्वल होगी. नाउ कम टू द रोम्बस. देखिए रोम्बस इट इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर. स्क्वायर ऐसा लगता है सभी को, थोड़ा सा टिल्ट होता है. जब मैं थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर दूंगी, इसकी शेप कुछ ऐसी है, जब मैं हल्का सा स्क्वायर को रोटेट करूंगी तो रोम्बस आ जाएगा. नाउ व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? देखिए क्या क्या डिफरेंस है.
इसमें भी फोर साइड्स होती हैं, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटर, फोर साइड्स तो सभी में होंगी बिकॉज सारे क्वाड्रिलेटर है. इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो गई. बट व्हाट इज द डिफरेंस, इट्स ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसके सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं. इसके सारे एंगल्स कितने इक्वल नहीं होते, मतलब मीन्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं. इसके एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के नहीं होते हैं. एंड अब मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगी तो क्या होगा, ये क्या होंगे, जो डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगी तो ये कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का. इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं. दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, रोम्बस के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो आई होप आपको सभी टाइप्स के क्वाड्रिलेटर क्लियर होंगे. जो आगे की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, सारी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. और जो भी आगे एक्सरसाइज है हम वो डिस्कस कर लेंगे, सारे टॉपिक्स हमारे क्वाड्रिलेटर पे बेस्ड है.